आज प्रोग्राम की शुरुआत ना एक पहेली से करते हैं। पहेली से? हाँ, ताकि हमारे दर्शकों को भी ना सोचने का मौका मिले। तो ठीक है, फिर करो शुरुआत पहेली से। तो पहेली कुछ इस प्रकार है कि वीरों के मस्तिष्क का तिलक बन इठलाऊं मैं, ढालो जिस आकार में उस आकार में ढल जाऊं मैं, सौंधी सौंधी खुशबू मेरी तुम्हें घर की याद दिला दे, मुझसे है जीवन की शुरुआत और अंत में फिर से वो तुम्हें मुझी में मिला दे। अच्छा बताओ कौन हूँ मैं? पहले तो तुम्हारी पहेली के लिए वाह, और ये बात मैं भी समझ गई और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी समझ गए होंगे कि तुम बात कर रही हो हमारी माटी की, यानी कि मिट्टी की, जिन्हें हम अपनी माँ भी कहते हैं। और क्यों ना कहें, हमें अपनी माँ की ज़रूरत तो होती है, ऐसे ही धरती पर जीवन जीने के लिए हमें मिट्टी की भी बहुत ज़रूरत होती है। और जो पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी पर ही तो उगते हैं, तो अगर हम ये कहें कि चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जानवर हो, सभी के लिए मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही जवाब। हम माटी यानी अपनी मिट्टी की बात कर रहे हैं, और रतिका बहुत से ऐसे जो जीव जंतु हैं ना उनका पहला घर ये मिट्टी ही होती है। इसके बिना तो जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं है, यानी जीवन संभव ही नहीं है। मिट्टी कितनी अनमोल है इसका बात है, इसका जो अंदाज़ा है ना वो एक छोटी सी बात से हम लगा सकते हैं कि 1 इंच मिट्टी को भी अगर प्राकृतिक रूप से तैयार करना है ना तो उसमें हज़ारों वर्षों का समय लग जाता है। तो इसीलिए तो मिट्टी की अहमियत को और बताने के लिए हर साल 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉयल डे मनाया जाता है। तो चलिए हम भी इसके बारे में थोड़े और जागरूक होते हैं और देखते हैं वर्ल्ड सॉयल डे पर ये रिपोर्ट। मिट्टी यानी मृदा, मिट्टी जिसमें हम खेलते हैं, अपने बचपन को जीते हैं, जो हमें एक दूसरे से भी जोड़ने का काम करती है, उसके लिए आज का दिन खास है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड सॉयल डे यानी कि विश्व मृदा दिवस की। हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा विश्व मृदा दिवस बढ़ती जनसंख्या की वजह से मिट्टी के कटाव को कम करने की दिशा में काम करने, लोगों को उपजाऊ मिट्टी के बारे में जागरूक करने तथा संसाधन के रूप में मिट्टी के स्थायी प्रबंधन की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। जो मृदा दिवस मनाया जाता है विश्व स्तर पर, उसका उद्देश्य भी ये है कि समाज के विभिन्न वर्गों में मृदा के वैज्ञानिक उपयोग और मृदा के स्वास्थ्य की विस्तृत जानकारी जन जन तक पहुँचाना और उसके बारे में जागरूकता फैलाना, यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इस वर्ल्ड सॉयल डे के कारण विश्व में बहुत अच्छे तरीके से मिट्टी के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक जागरूकता उत्पन्न हुई है, जिसके कारण विश्व में मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में बड़ी चिंता की जाती है और अनेक सरकारें इसके ऊपर कार्यक्रम चला रही हैं। मिट्टी यानी मृदा हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मिट्टी के महत्व के बारे में लोगों को बताने और मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में उन्हें जागरूक करने के लिए हर साल 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉयल डे मनाया जाता है। अब सवाल ये है कि मिट्टी को बचाना क्यों जरूरी है? दरअसल प्रदूषण और कीटनाशकों के अधिक प्रयोग के कारण मिट्टी की क्वालिटी यानी गुणवत्ता हर साल कम होती जा रही है, जो कि एक गंभीर समस्या है। सॉयल डिग्रेडेशन से ऑर्गेनिक पदार्थों का लॉस होता है और मिट्टी की उर्वरकता में कमी आती है। ऐसे में लोगों को इस बारे में जागरूक करना बेहद जरूरी है। जो हमारे समाज के विभिन्न वर्ग है, चाहे वो किसी भी तरह का काम कर रहे हो, हर एक का, हर नागरिक का हमारा ये उत्तरदायित्व हो जाता है और हमारी ये बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में निरंतर चिंता करें। हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? किसान जो करना है वो तो करेंगे, उर्वरकों का जो उपयोग है विवेकपूर्ण तरीके से करना होगा, पानी का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना होगा, मिट्टी को खुला ना छोड़ के ऊपर कुछ ना कुछ घास या कवर या कोई फसल उसमें बनी रहे ताकि उसका अपरदन न हो पाए। ये सारे काम तो किसान करते ही हैं, लेकिन आम नागरिक के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं? पहली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो हम निभा सकते हैं वो हम अपने हाथों से अधिकतम वृक्षारोपण करने का प्रयास करें। जितने अधिक वृक्ष हम लगाएंगे उतना कम से कम मिट्टी का कटाव होगा और मिट्टी कट करके जो बह जाती है उसका बहना उतना ही अधिक रुकेगा। दूसरा जो काम हम ये कर सकते हैं कि जो कूड़ा कचरा यहाँ वहाँ पड़ा रहता है उस कूड़े कचरे को समेट करके उसकी कंपोस्टिंग करके उसका अगर इस्तेमाल हम खेती में या हमारे
गांव हमारे गांव में या शहर में जो लॉन्स होती है या पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पहुंचा दे उस कचरे को कंपोस्ट करके, तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम निभाएंगे। 5 दिसंबर यानी कि विश्व मृदा दिवस का उद्देश्य सॉइल मैनेजमेंट में बढ़ती चुनौतियों का समाधान कर मिट्टी के प्रति लोगों में जागरूकता को बढ़ाने के साथ साथ मिट्टी में सही सुधार के लिए सोसाइटीज को प्रोत्साहित कर हेल्थी इकोसिस्टम और मनुष्य के लिए हेल्थी एनवायरनमेंट को बनाए रखना है। मनुष्य का सारा जीवन मिट्टी पर निर्भर है। संपूर्ण पशु जगत का भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मृदा से प्राप्त होता है। कृषि क्षेत्र में मिट्टी का एक विशेष स्थान है। आज ये जो मिट्टी है, ज्यादा उर्वरक इस्तेमाल होने से और ज्यादा उपज करने के चक्कर में इसकी गुणवत्ता जो है खराब हो रही है। ये प्रदूषित होते जा रहा है मिट्टी दिन पे दिन, और इससे ये इस मिट्टी के चलते हमारे देश में, हमारे भारत देश में कितने लोगों का पेट भरता है। अगर किसानों के खेतों में फसलों के मुताबिक मिट्टी ना हो तो फसलों का अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है, इसलिए मिट्टी का संरक्षण आवश्यक है। मिट्टी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भोजन, कपड़े, आश्रय और दवा समेत जीवन के 4 प्रमुख साधनों का स्रोत है। मिट्टी के कटाव को कम करने, उर्वरता बनाए रखने के लिए कदम उठाना जरूरी है ताकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा मिट्टी विभिन्न अनुपातों में खनिजों, कार्बनिक पदार्थों और वायु से बनी होती है। ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक पौधे के विकास के माध्यम कई कीड़ों और अन्य जीवों का घर है। ये सतह के पानी के लिए और वायुमंडलीय गैसों के रखरखाव में एक निस्पंदन प्रणाली के रूप में भी काम करती है। इसलिए मिट्टी के नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है।